रकीम कॉर्नवेल, यार ये नाम याद रखो आप लोग, मतलब फर्स्ट टाइम एवर डबल 100 इन 2020 क्रिकेट है। ये कारनामा सर अंजाम दिया है वेस्ट इंडीज के एक भारी भरकम और बहुत बड़े खिलाड़ी ने। भाई वेस्ट इंडीज वालों, तुम्हारी टीम का तो वैसे ही बड़ा घर है, खुदा का वास्ता इस बंदे को टीम में डालो ताकि तुम्हारी टीम थोड़ी सी उठ सके। याद रहे दुनिया का सबसे यह भारी भरकम खिलाड़ी, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कहां पर मरे समी असलम पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ इस बंदे ने पार्टनरशिप लगाई और यहां पर बहुत जबरदस्त एक सेंचुरी स्कोर, डबल सेंचुरी स्कोर की 2020 क्रिकेट के अंदर पहली दफा ये मुकाम आपको देखने को मिला है, जिसमें आपको बताऊं कि पाकिस्तान का एक खिलाड़ी समी असलम भी उसके साथ खेला था, जो कि अमेरिकन एक लीग है अटलांटा T20 ओपन लीग, जिसके अंदर रकीम कॉर्नवेल ने 77 बॉलों में यानी कि 77 गेंदों में 206 रन की बहुत बड़ी बारी खेल दी है। और पहली बार 2020 में, मतलब T20 क्रिकेट में, ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने 300 से ज्यादा रन जो है वो बना दिए हों। तो यहां पर रकीम कॉर्नवेल की मदद जो है पहली दफा उनकी टीम ने जो है वो 326 रन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाया, और जो टारगेट मेरे ख्याल से दूसरी टीम को या किसी भी दुनिया की टीम को देखकर पसीने छूट जाए, जिसके अंदर पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि रकीम कॉर्नवेल भारत के एक वेस्ट इंडीज के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत भारी भरकम खिलाड़ी हैं, बारबाडोस की तरफ से खेलते हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग में, वेस्ट इंडीज की तरफ से भी अपना डेब्यू कर चुके हैं और बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन ओवरवेट होने की वजह से कह लो या फिटनेस की मसाइल की वजह से जो है इनको वेस्ट इंडीज टीम नहीं रखा जाता, लेकिन अब ये दरवाजे को नॉक नहीं कर रहे, क्योंकि जितना इनका वजन है इनका नॉकआउट पंच हो सकता है, जो कि दरवाजे को मार रहे और कह रहे हैं कि भाई मुझे टीम के अंदर शामिल करो, वेस्ट इंडीज टीम की ये किस्मत बदल सकता है। ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है, भारी भरकम शरीर के साथ जितनी रकीम कॉर्नवेल ने आज छक्के मारे हैं ना, 22 छक्के, 22 सिक्सेस और 17 फोर्स, यानी कि आप कह लो कि 39 जो है इस बंदे ने बाउंड्रीज मारी हैं, 39 बाउंड्रीज मारने के बाद जो है ये बंदा आज इतनी बड़ी इनिंग खेलने में कामयाब हुआ। 77 बॉलों में से 39 जो है इसने बाउंड्रीज मारी हैं और 206 रन की एक बहुत बड़ी इनिंग खेली है, जो कि 2020 क्रिकेट में एक इतिहास है, एक बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर आप सेकंड हाई स्कोर की बात करते तो वो भी वेस्ट इंडीज़ के ही खिलाड़ी हैं, क्रिस गेल, उन्होंने स्कोर किया था 175 2012 के आईपीएल के अंदर। उसके बाद यहाँ पर एरन फिंच ने 172 रन की बारी खेली थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उसके बाद भी यहाँ पर एरन फिंच जो है वो उन्हें 156 रन की बारी खेली हुई है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बारियाँ हैं, लेकिन एक इतिहास ये रचा है रकीम कॉर्नवेल ने, जिन्होंने यहाँ पर डबल 100 स्कोर कर दिया T20 क्रिकेट के अंदर, और ये इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि यकीनन अब वर्ल्ड कप के अंदर वेस्ट इंडीज़ की जितनी पतली हालत है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ टीम ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी है आप कह लो के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी आज मैच में हार का सामना करना पड़ा है उनको। तो अगर वेस्ट इंडीज टीम अपने खिलाड़ियों को मौका देती है, फिटनेस को साइड में रखते हैं, तो मेरे ख्याल से रकीम कॉर्नवेल शायद वेस्ट इंडीज का हुक्म का इक्का हो सकते हैं और किस्मत को जरूर बदल सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर देखने को मिलती रहे। मेरा नाम है मोहम्मद ज्ञानत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।